और ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, ईरान पर इसराइल का बड़ा हमला सामने आया है। कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई ईरान के तेहरान के पास। 5 से 10 धमाके हुए हैं। IDF ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि भी की है। हमले के दौरान वॉर रूम में नेतन्याहू मौजूद रहे, वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तेहरान समेत कई शहरों में बमबारी की गई है। इस हमले के बाद ईरान और इसराइल के बीच में सीधी जंग की आशंका बढ़ गई है। बीती रात इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान के पास कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। आपको बता दें, हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। उसके बाद से ही हमले की आशंका जताई जा रही थी। IDF ने ईरान पर हमलों की पुष्टि भी की है। ईरान पर इसराइल का ये बड़ा हमला जो है वो सामने आया है। कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जो है वो की गई और इस दौरान वॉर रूम में मौजूद थे नेतन्याहू और उन्हें ये जब